राष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या? भारत भी मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है। अखबारों में आपने एक ऐड दी, वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि मैं राहुल गांधी चुनकर आने के लिए बहुत अच्छे नेता है, राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गए तो जश्न कहां होगा? औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई, जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूं, और कोई भौंकने वाला व्यक्ति रोज उनकी सीधी बातें करे उससे फर्क क्या पड़ता है? उद्धव ठाकरे तो एडवाइजर संजय राउत की मानते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। एक समाजवादी पार्टी की नेत्री है, उन्होंने बोला वोट जिहाद करें। जब वोट जिहाद की बात करेंगे तो इसका परिणाम दूसरा भी होगा। 400 सीटें क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? संविधान बदलने के लिए? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन, और लोकसभा चुनाव में अब हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर बचा हुआ है, और इस अंतिम दौर के अंदर महाराष्ट्र का जो रण है वो सबसे ज्यादा भीषण है। और महाराष्ट्र के रण पे बात करने के लिए और देश के भी रण पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। नमस्कार फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। लगभग आप 80 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, सेंचुरी की ओर है। बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या? देखिए, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की डगर कठिन है जी, और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि एक लेफ्टिस्ट टाइप का जो विचार है ये लोग मिलकर एक नैरेटिव तैयार करते हैं। महाराष्ट्र की डगर ये भारत की डगर से कोई अलग नहीं है। भारत भी मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है जी, और हम लोग पिछला रिकॉर्ड हमारा तोड़ेंगे, उससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो इस बार अलायंसेज हैं वो एक तरह से बड़े डिफरेंट अलायंसेज हैं? शिवसेना दो भागों में बटी हुई है, एनसीपी दो भागों में बटी हुई है, एक तरह की खिचड़ी है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, कहीं ये सीटें भी खिचड़ी की तरह ना आए इस बार? देखिए, क्या होता है कि आपकी बात एक प्रकार से सही है कि उधर तीन पार्टियां हैं, हम भी तीन पार्टियां और साथ में और भी पार्टियां, अभी राज ठाकरे भी हमारे साथ है, तो ऐसी थोड़ी बटी हुई हमको पॉलिटिक्स दिखती है। लेकिन मूल रूप से दो खेमे यहां तैयार हो चुके हैं जी, एक प्रो मोदी जो मोदी जी को मानने वाला है, और एक जो मोदी जी को नहीं चाहता है, एंटी मोदी। तो मुझे लगता है कि कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली, प्रो मोदी सेंटीमेंट है, लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रो मोदी सेंटीमेंट है, लेकिन अखबारों में आपने एक ऐड दी और वो ऐड जो थी वो ब्लैक ऐड थी, काली ऐड थी, और उस ऐड के अंदर लिखा हुआ था कि वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। इसके मायने क्या थे? देखिए, अब उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई, नोटिस भी मिली जी, जी, जी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसका अर्थ क्या था। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं, राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गए तो जश्न कहां होगा? तो पाकिस्तान में होगा। तो गलत क्या था? ठीक है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, मैं उसके ऊपर विवाद नहीं करना चाहता जी, लेकिन इन लोगों की फितरत देखिए, ये लोग पाकिस्तान से ट्वीट करवाते हैं, इनके एक नेता कहते हैं पाकिस्तान के पास अणुबम है, वो हमारे ऊपर बमबारी कर सकता है, दूसरे एक नेता और कुछ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां महाराष्ट्र में इनके लोगों को यह चिंता है कि अजमल कसाब, जो इस देश में कसाई की तरह लोगों को मार चुका है, उसकी बदनामी होती है, ऐसा करने वाले इनके नेता है। और जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, ऐसे हमारे अधिवक्ता उज्जवल निकम जी को
कड़घरे में खड़ा कर रहे, मतलब ये किसके साथ है? लेकिन लेकिन चुनाव देश का है तो पाकिस्तान की बात बीच में आ रही है, हिंदू मुसलमान की बात बीच में आ रही है, ये क्यों हो रहा है? देखिए सीधा हिसाब है, ये चीजें इसलिए आएगी कि सामने से जी अगर ऐसी टिप्पणियां होगी तो जवाब तो हम देंगे और ताकत के साथ देंगे। लेकिन अभी नाना पटोले हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। उनको पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना होगा, उसके बाद वो राम मंदिर का शुद्धिकरण की बात करें, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हलफनामे पर प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने हलफनामे पर राम सेतु को नकारा, जिनके लिए प्रभु श्री राम ये मात्र काल्पनिक पात्र है, जिन्होंने राम मंदिर के मसले को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और राम मंदिर 495 साल के बाद बनने के बावजूद जी जब पूरे देश के हिंदू और बाकी लोग भी राम मंदिर का जश्न मना रहे थे, ऐसे समय जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, ऐसे लोग हैं। पहले ये बात तो कह दे कि हाँ हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, हाँ हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, ये तो पहले एफिडेविट पे दे। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है? पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब उद्धव ठाकरे जी, पहले देखिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी, इनके भाषणों की शुरुआत होती थी मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, अब उसमें से हिंदू शब्द उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अब आपको पता है क्यों निकाल दिया? देखिए जिन पार्टियों के साथ वो चले गए, अब उनको हिंदुओं के मतों की चिंता नहीं है, उनको लगता है अपीजमेंट से, तुष्टिकरण की नीति से चुनकर आ सकते हैं, इसीलिए अब वो कैलेंडर छापते और कैलेंडर पे हिंदू हृदय सम्राट नाम निकल गया। अब जनाब बाला साहब ठाकरे आता है, अब उनकी रैलियों में अल्लाहू अकबर के नारे लगते और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे उनके रैलियों में लगते, तो उन्होंने तो अपनी लाइन पक्की कर ली है, अब वो जबान से कुछ भी। लेकिन लेकिन मैंने उनके नेताओं से कई बार सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी से, देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम नकली शिवसेना है, हम राम भक्त है कि नहीं है, हम हिंदू है कि नहीं है। बोला उद्धव ठाकरे डट के हिंदू है, आदित्य ठाकरे डट के हिंदू है। हमको भी सर्टिफिकेट बांटने का शौक नहीं है जी, और हम कोई सर्टिफिकेट बांटते घूमते भी नहीं है, ये जनता ने तय किया, और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व से किनारा कर लिया, हिंदुत्व जो होता है ना ये आचरण की बात है, ये मुंह से बोलने की बात नहीं है। क्या है आपके आचरण में? आप आज जिस प्रकार से सूडो सेक्युलर लोगों के बीच उनसे भी ज्यादा तुष्टिकरण करते हो, तो कितना भी छाती ठोक कर बोलो कि हम हिंदुत्ववादी है, लोग नहीं सुनने वाले। लेकिन चुनाव के अंदर जो बयानबाजी हो रही है वो हम देख ही रहे हैं दोनों ओर से, लेकिन एक ऐसा बयान आया जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर था, और औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई और कहा कि औरंगजेब की जैसे कब्र खोदी गई थी तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है। ये बात कही शिवसेना के एक नेता संजय राउत ने, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए, संजय राउत कोई नेता नहीं है, और मेरा तो सीधा मानना है संजय राउत जैसे व्यक्ति को मेरे लेवल के आदमी ने जवाब देना इतना उनका स्तर भी नहीं है, इसका जवाब हमारे प्रवक्ता देते हैं। संजय राउत एक प्रवक्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूं जी, नहीं तो आप कहेंगे कुत्ता कह दिया, उतना भी मैं उनका वो नहीं करूंगा, लेकिन भौंकने के लिए छोड़ा हुआ व्यक्ति है। और कोई भौंकने वाला व्यक्ति रोज उल्टी सीधी बातें करे उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए इन्होंने जितनी गालियां मोदी जी को दी, लोगों ने उतना ज्यादा प्यार मोदी जी पर किया, और ये संजय राउत जैसे लोग जो है ना, ये सूरज की तरफ देखकर थूकते हैं, थूक उनके मुंह पे गिरती है, और इनके 10 पीढ़ियां भी आ जाए तो भी ये किसी को गाड़ नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना वाले हैं जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं, और वो भी कब्र में, उसमें भी तुष्टिकरण ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात कही। उन्होंने ये बात कही इसलिए है
कि एक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, कब्र में गाड़ने की बात कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण। इसलिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, अरे जिंदा तो तुम गाड़ी नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं गाड़ी। लेकिन आपने संजय राउत के लिए बोला कि वो उनका स्तर नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो एडवाइजी संजय राउत की मानते हैं। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जिस प्रकार के भाषण उद्धव जी के मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की